किसको डालेंगे? बब्बर शेर को। ये देखें सुने जरा, आप किसका वोट? शेर को। शेर को वोट क्यों डालेंगे, क्या वजह? शेर को, शेर ही हमारी पहचान है। शेर नहीं, लेकिन कोई काम अच्छा किया उन्होंने? काम अच्छा ही उन्होंने किया। मतलब क्या अच्छा काम किया? सारे अच्छे ही काम है। ये तो इमरान ने आके खराब कर दिया शोर पैदा। इधर से आ जाए, हमारे वोट शेर नहीं डालना। नहीं क्यों, क्या वजह? वजह उन्होंने तो सारिया सहूलत दी। इमरान खान की सहूलत दी? इमरान खान के दौर में जो चीनी है वो सस्ती थी या महंगी थी? महंगी सी। नवाज शरीफ के दौर में तेल सस्ता या महंगा था? सस्ता सी। मियां साहब हर चीज ही सस्ती की थी, लेकिन ना वोट शेर नु देना चाहिए। वोट शेर नु देना चाहिए। साडी जेडी कौम है ना, ये सुन, ए जेडे बच्चे खलोते ने इनां नु तकलीफ है। जिदे बच्चे ने ये कहंदे ने इमरान खान नु वोट पाना है। एवें इमरान खान पाना? इमरान खान की लागदा? इधर आए, इधर आए, मुझे इधर पूछे आप किस को डालेंगे? शेर इसल डालेंगे कि शेर के दौर मरी तक ने सड़कां सही कीतियां ने? इमरान खान की कीता ओ ते मैनूं दसो। उन्हें ब्याह दूजा कीता? तीजा? हां तीजा। ओ ओ उन्हें नहीं कीता। किन्ने कीता? नहीं, ओ नवाज शरीफ ने नहीं कीता। उन्हें ए वजे चवला नहीं ना मारियां जो इन्हें मारियां ने। नहीं तो इमरान खान ब्याह करना तो भेड़ा काम तो नहीं ना है? मैं तो नहीं, दस ब्याह करे लेकिन नाल काम भी करे। लेकिन ये वे जिन्निया सहूलत मियां साहब ने दितिया ना उन्हें नहीं दितिया। अच्छा। उन्हें जलालत च पाया, लोगों के बच्चे भुखे मारे ने। इमरान खान ने लोगों के बच्चे भुखे मारे ने? हाँ जी। वो किस तरह जी? इसे तरह ही। वेखो की हाल उन्हें अवाम का किया। अवाम कभी इस तरह हुई सी जो हाल इमरान के दौरे च होया? इमरान खान जेल दे विच, तुसीं की कहंदे हो? जेल च रहे कि बाहर निकल आवे? साडे लोक गरक जाए। क्यों गरक जाए जी? किसी दा पुत्तर है, किसी दा भरा है? भरा है ना तो कोई काम चंगे करे ना। इमरान खान ने कोई चंगा काम नहीं किया? ना उन्हें कोई चंगा काम नहीं किया। इधर मेट्रो बनी है बाहर, इधर जाने वास्ते कभी बैठे हो मेट्रो? हां जी। तो किन्ने इमरान खान ने बनाई? और किन्ने बनाई? इत्ते नवाज शरीफ ने बनाई। इमरान खान ने नहीं बनाई? ना मेरे को तो मेनू बड़ा और कहर जे की कह रहे तानू? गुस्सा कादा इमरान खान ते? कोई गुस्सा कादा तानू इमरान खान? तुहाडे घर दा नवाज शरीफ दा तो मेरे को सुने कोई सी बजी? आप वोट डालेंगे जी? वोट नहीं डालेंगे? आप डालेंगे वोट? नवाज शरीफ को डालेंगे? नवाज शरीफ को डालेंगे? नवाज शरीफ का वोट डालेंगे जी? बिल्कुल नवाज शरीफ का वोट डालेंगे। मां जी वोट डालेंगे आप? किसी को नहीं, किसी को नहीं डालेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। आपने बता दिया तहरीके लबैक, बड़ी मेहरबानी, तुहाडा सेकंड वोट नहीं पाना असीं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप वोट डालेंगे भजन इस दफा? हाँ जी डालेंगे, जरूर डालेंगे। किसको डालेंगे आप? किसको डालें आप? लेकिन आप अपनी तकदीर का फैसला करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ कर के जो पिछले अदवार में बेहतर था, महंगाई कम थी, सड़कें मोटरवे चीजें जो बनी, बच्चे स्कूल, उसको देख के किसको वोट? वो आपको पता है जो सड़कें मोटरवे नून लीग ने बनाई है, लाजमी बात है उनके वोट डालने। नवाज शरीफ को वोट डालेंगे, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाईजान वोट बने आपका? भाईजान वोट तो दे देना। अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ जी वोट डालेंगे इस दफा जी? आप बना होगा तो जरूर डालेंगे। आपका वोट तो होगा ना जी? होगा तो जरूर, लेकिन बंदा चेंज। किसको किसको डालेंगे? अगर डालेंगे हम तो नवाज शरीफ को डालेंगे। क्यों डालेंगे नवाज शरीफ? क्या कोई खास वजह? वजह क्या है खास? उनके दौरे हुकूमत में आटे चीनी की कीमतें कुछ मुनासिब थी? बिल्कुल सही। और इमरान खान साहब के दौर में बहुत महंगाई, बहुत महंगाई थी, बहुत महंगाई थी जी। मुझे लगता है महंगाई ना। अस्सलाम वालेकुम भजन, कैसे हैं आप? माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत दुकान है आपकी। इस दफा वोट किसको डालेंगे सर? इंशाल्लाह साडे आई नून लीग का सी। अच्छा जी, कम कारोबार करे ना करे है तो नून लीग की शुरू से यार। ये आपकी मोहब्बत सारे मुल्क को मरवा देती है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ कि जेड़ा आना लो केड़ा जिंदा रहे। बिल्कुल ठीक है जी, खूबसूरत स्माइल है, इनसे पूछते हैं भजन रास्ता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप वोट किसको डाल रहे हैं इस दफा जी? इस दफा नवाज शरीफ को डालेंगे जी हम। क्यों, कोई वजह? नवाज शरीफ को वोट डालेंगे क्योंकि क्योंकि इन्होंने काफी चीजें सस्तियां की थी नवाज शरीफ की हुकूमत में। चीजें 2000 जो पहले मियां नवाज शरीफ जिले था उस वक्त चीजें सस्ती थी जी। सस्ती थी बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान खान को बड़ा काम एक जो उसने बहुत अच्छा काम किया वो सुहाए तुझे ब्याह तो उम्मत मुसलमान का बड़ा लीडर है वो। हमें क्या लगे आप ये बताएंगे मुल्क के लिए कोई क्या अच्छा काम किया? सारे उनके काम अच्छे हैं। कोई एक कोई मोटर सड़क बड़ा काम कुछ उसने सारे काम ही अच्छे किए हैं भाई। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। सारी यूनिवर्सिटी बनाई नमल यूनिवर्सिटी, अल कादर ट्रस्ट बनाया उन्होंने। अल कादर ट्रस्ट तो उसके करप्शन का केस है, वो तो करप्शन का केस उठ गया सारा। मलक रियाज से 190 मिलियन आ वेलो पटवारी साहब, असली पटवारी है तुही कब यूथी है गए तुसी अभी नहीं यूथी है पटवारी मान के लबैग नु पाना वोट किनु पाना तरीके लबैग तहरीके लबैग ते वोट तहरीके लबैग नु क्यों पाना?
ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਵਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋ ਪੰਜ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਈ ਪੰਜ ਕੰਮ ਬਤਾ ਦੇਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਬੈਨ ਕਾ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਨ ਕਾ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਮੇ ਯੂਥ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਕੋਮੇ ਯੂਥ ਹੈ। अंदर इसके पटवार बुना है। नाम का वोट डाल रहे हैं यानी इसका बोलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वोट डालेंगे? वोट नहीं डालेंगे जी आप जी। अच्छा जी इधर से पूछ लेते हैं, यहाँ पे एक यंग बैठे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप वोट डालेंगे जी? वोट बना तो है यार, डाल देना यार, पर अपना घर खराब हो जाएगा। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप वोट डालेंगे जी? मेरी तो ड्यूटी लगती है, मैंने क्या डालना है। अगर मतलब डालने के लिए डालना पड़ गया तो फिर किसको डालेंगे? हाँ जी इमरान खान को। अच्छा इमरान खान को डालेंगे, आप किसको डालेंगे जी? मैं डालती हूँ, मेरी उम्र ही नहीं, मेरी उम्र नहीं है, वो डालेंगे जी। बिल्कुल ठीक है जी, आगे चलते हैं जी जरा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रश है, काफी क्राउडी है। वो डालेंगे जी? किसको डालेंगे भाई? नहीं डालेंगे, आप किसको डालेंगे? मेरा आई डी कार्ड ही नहीं है। आप भी? हम शेर को। चलिए भले बंदे हो, वोट पाओ क्यों कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है जी। मैं आपको, हाँ जी क्या हाल है जी, आपका वोट बने? नहीं वोट नहीं बने। वोट नहीं बना? आपका वोट बना है जी? किसका वोट डालेंगे? शेर। क्यों, क्या वजह शेर का वोट डाले? काम कराता। क्या काम? ये कितने कितने काम कराए, पुल बनाया उन्हें, रिंग रोड उन्हें, मेट्रो ट्रेन उन्हें चलाई, सारा कुछ उन्हें, दो मंगाई नहीं है। खान साहब भी तो काम किए इमरान खान ने, उन्हें मंगाई की, गरीब बंदे ने मारिया, गरीब बंदे ने मारिया, महंगाई की, इस वास्ते वोट नहीं पाना। किसको वोट डाल रहे हैं जनाब? अच्छा वोट किसको डाल रहे हैं? वोट हम डाल रहे हैं शहबाज शरीफ को। क्यों शहबाज शरीफ को वोट डाल रहे हैं? वो अच्छे हैं शहबाज साहब, अच्छे हैं। हां सब उनको वोट डाल, उन्होंने कोई डाल नहीं। शहबाज शरीफ को कटिया जी, आप किसको वोट डाल रहे हैं भजन? कौन चोर है जी? कोई भी नहीं चोर है। नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। वो वकली नहीं होनी। यहां से पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम भजन, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। भजन आप वोट डाल रहे हैं इस दफा? क्या वोट डालेंगे इस दफा? क्या डालेंगे, कम करें वोट, वोट किसको डालेंगे हम? भजन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बताना है, मैं आगे जाऊँ? हम नवाज शरीफ को डालेंगे वोट। सर कैसे आप? आप कह रही थे ट्रैक सूट कहाँ से लिया यार, मैं भी ले लूँ बड़ा अच्छा ट्रैक सूट। भगवानपुरे बाजार से लिया। भगवानपुरे बाजार से लिया जनाब, बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि वोट किसको? इमरान खान। अच्छा जी कोई एक बड़ा काम जीते तो सारे पाकिस्तान को फायदा होया? सारे फायदे ही नहीं, एक दस दिन उन्होंने चलिए ना, एक बड़ा काम सबदाल के कार्ड बनाए ने उन्हें। अच्छा जी अपना होर गरीबा दे बारे सोचदा नहीं, मकान गरीबा दे बारे खाली सोचदा करदा कुछ नहीं। नहीं मकान दा कीता नहीं, मकान दिया है बड़ी मकान देते नहीं किधर, कोई मकान बना बना के दीते नहीं। कहां कहां कि कहां दिए उन्होंने? तो खैर रह नहीं दीता किसी ने उन्हें। नहीं मकान कहां बनाया पता कोई आपको, कोई एक एड्रेस, कोई एक जगह? इधर पता नहीं, ओ उत्ते देखण रहे उत्ते केड़े मकान बन रहे तन्नू? इस्लामाबाद साइड वाले पे मकान बनाया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट दे रहे? नवाज शरीफ भाई। क्यों? नवाज शरीफ के दौर में हर चीज सस्ती थी, ठीक है, आटा सस्ता, चीनी सस्ती था, नवाज शरीफ का एहसान। अच्छा अब दोबारा नहीं बनाना नया पाकिस्तान। ओ ये बड़ी मजे की बात है जी, ये सुने जी, क्या जी दोबारा बोलिए? आटा चीनी घी सस्ता था, नवाज शरीफ का एहसान, अब दोबारा नहीं बनाना नया पाकिस्तान। दोबारा नहीं बनाना नया पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। क्या हाल चाल है जी, आप ठीक है जी? अल्लाह करिए से अल्लाह का करम है। वोट फिर इमरान खान है? इमरान खान शेर दोनों का, दोनों का दस दस पार कर दस पार कर दस पार कर दस पार किसे रूट कर रहे जी? आप किसको वोट आ रहे हैं? नवाज शरीफ को। क्यों नवाज शरीफ को वोट आ रहे हैं? कारोबार के नाते। माजी किसको वोट आ रहे हैं आप? किसी को भी नहीं, किसी को नहीं वोट डाल रहे जी। माजी वोट पा रहे हो दफा? माजी भी वोट नहीं डाल रहे हैं। माजी तुम वोट पा लगे हो? अच्छा जी जी किसको दे रहे हैं जी आप? नवाज शरीफ को दे रहे हैं। क्यों नवाज शरीफ को दे रहे हैं जी? आपके सामने है जो कारोबार के हालात है, 5 साल हो चुके हैं, कोई भी पोजीशन नहीं जा रही। अच्छा जी। हाँ जी तो आने वाले वक्त में आपको लगता है कि नवाज शरीफ को बताएगी तो कारोबार अच्छा, इंशाल्लाह कारोबार अच्छा होगा, नवाज शरीफ का कारोबार अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस तरह भजन, क्या हाल है आपका? क्या हाल है जी, ठीक है जी? कर अल्लाह का ठीक ठाक। आप क्या बना रहे हैं जनाब? हम समोसे रोल बना रहे हैं। समोसे रोल, ये क्या क्या नाम है जगह के, लोग अगर देखें आपके पास आना चाहें तो किस जगह पे? ये भगवानपुरा बाजार। भगवानपुरा बाजार में वन ऑफ द बेस्ट समोसे रोल है, यहाँ पे आए खाएं। सरकार ये फरमाए कि वोट किसको देंगे? शेर।
मुत्तफ़िका फैसला है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। अच्छा आप भी शेर को, शेर आप भी शेर, अच्छा जी शेर मौला अली का है, शेर मौला अली का। अगर आपको कोई 5-10 हज़ार रुपया दे दे के इमरान खान का वोट, नहीं 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 रिश्वत नहीं देते हैं, रिश्वत नहीं, लाख रुपया इमरान खान दे दे जी ना, तौबा नौबिल्ला हम देंगे उन्हें। इमरान खान को किसने वोट नहीं देना, ये फाइनल फैसला है, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपने किसको वोट देना जी? इमरान खान दा सर ते छेतर दोबारा दोबारा क्यों जरा छेतर जरा इमरान खान वोट देवे? अच्छा जी जरा इमरान खान वोट देवे ओ हुन करौना किथे वे ओ तो करौना सही जी। किसको वोट देना नवाज शरीफ? क्यों जी नवाज शरीफ को वोट दे? सर एटमी धमाको से लेके सस्ती रोटी तक, रोड, मोटरवे, मेट्रो, ऑरेंज लाइन, दहशतगर्दी, लोड शेडिंग, बहुत सारी वजूहत है। आप तो अब तो महंगाई इतनी ज्यादा है, क्या नवाज शरीफ साहब आके कंट्रोल करेंगे? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, वो पहले भी किया भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये हल्का जो है ये अली परवेज मलक साहब का है जी जी, तो इस हल्के में, इस हल्के में आप ये बताएं जरा मुझे कि अगर मरियम नवाज साहबा यहाँ पर इलेक्शन, क्योंकि वो कहा जाता है कि उनके पेपर जमा हुए थे, तो एक ये आवाज है कि मरियम साहब यहाँ पे आएंगे, आप क्या समझते हैं कि मरियम साहब के आने से इलाके के हालात में बेहतरी आएगी? अगर यहाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगी बेहतरी, अली साहब ने भी बड़ी मेहनत की, अली परवेज मलिक साहब ने, वो भी आएंगे तो वो बेहतरी आएगी, जरूर आएगी। अगर मरियम ही भी आ जाती हैं, वो जहाँ से मर्जी लड़े, ये उनका पाकिस्तान है, उनका हल्का, जिधर से मर्जी लड़े इंशाल्लाह वो जीतेंगी। ये मरियम कहीं से भी जीते वो जीतेंगी, अली परवेज का हल्का है। हमारी ख्वाहिश है कि अली साहब आए। ये जो ऑरेंज लाइन बनी है किसने बनाई है? मियां नवाज शरीफ साहब ने। इसका कोई फायदा हुआ है? सुना है इसे बड़ा पैसा लगा इसमें जिंदगी, उन्होंने एक दफा भी सफर नहीं किया, ये हम लोग सफर करते हैं, मिडिल क्लास लोग सफर करते हैं इसमें। आप बेटा बात करेंगे वोट वोट देने की बात करेंगे आप? नहीं। आप वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं देंगे वोट? क्यों? वोट तो देना चाहिए ना, अगर आपके वोट से इंशाल्लाह शेर को देंगे। शेर को वोट देने की क्या वजह है? उन्होंने कुछ काम करवाया है। क्या काम करवाया भाजी? ऑरेंज ट्रेन सबसे बड़ी बात। अच्छा जी। उसके बाद मोटरवे। अच्छा जी। फिर डॉलर को बिल्कुल उन्होंने सेट रखा था। अच्छा जी। और उसके अच्छा, जो आप घरदारी करती हैं, ये खरीदारी करती हैं, महंगाई हुई है, तो नवाज शरीफ के दौर में चीजों की कीमतें और आपके में फर्क है? जो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। घर का बजट बनाना कितना आसान और मुश्किल हुआ? बहुत मुश्किल हो गया। वोट शोट पाते हो जी किसी टाइम? वोट जी पार्टी आई नून लीग के साथ पाऊंगी। नून लीग को वोट क्यों डालेंगे आप? क्योंकि वो काम जब आई वो काम होते हैं उसकी हुकूमत में, नून लीग के दौर में काम होते हैं, इसलिए नून लीग को वोट डालेंगे। नून लीग को वोट डालेंगे जी, नून लीग के दौर में काम होते हैं। भाईजान से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? भाईजान वोट किसको डाल रहे हैं? वोट शेर को। क्या वजह शेर को वोट? जो रब को मंजूर हो, कुदरती हालात बेहतर हो जाए, मुल्की हालात बेहतर हो जाए, इस वजह से शेर को कोशिश करेंगे शेर को वोट। नहीं शेर को वोट, मियां साहब के दौरे हुकूमत अच्छे थे, मियां इमरान खान बार कारोबार मियां के दौर में अच्छा, कारोबार मियां के दौर में, इमरान खान के दौर में, इमरान खान के दौर में आपको भी पता है कि क्या पोजीशन जाती रही है, क्या जाती रहती है, मतलब इमरान खान के दौर में आटा चीनी घी की प्राइस मियां साहब के दौर से ज्यादा थी या कम थी? 16 माह के शहबाज शरीफ के दौर से तो मुकाबले से तो अच्छी थी, ठीक है ये, लेकिन मियां साहब के चार्ज मियां नवाज शरीफ को देना। अच्छा अभी एक चांस फिर मियां साहब को दे रहे हैं, क्योंकि उनका पिछला अगर अब कामयाब हो गया, मुल्क चल पड़ा तो बादशाह ही हो जाएगी, नहीं तो ये सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा जिस तरह के हालात जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इसमें आप कह रहे हैं कि जी मियां साहब को वोट देंगे, महंगाई हो गई है ना, हर आदमी रो रहा है, हम खुद रो रहे हैं, कमा के भी रो रहे हैं, कमा के रो रहे हैं। चाचा जी से पूछे, चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चाचा जी, वोट किसको दे रहे हैं? बड़े दुखी लग रहे हो, कोई पता नहीं किसको देना है। अच्छा जी कोई पता नहीं, आप वोट डाल रहे हैं माजी, आप वोट डालेंगे? क्यों नहीं वोट डालेंगे? वोट तो बड़ा 5 साल बाद एक दफा डालना होता है। हमारा इधर है ही नहीं, तो जिधर भी वोट आपका है यूके में वोट है। अच्छा ईमानदारी से बताएं, वहाँ पे वोट डालते हैं आप? क्यों नहीं वोट डालते? वोट की अहमियत का पता है? अच्छा चले जी, वो यूके में वोट है उनका, वैसे मेरा वोट हॉलैंड में, मैं डालता हूँ जी। क्या हाल है जी, वोट बना आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? करम अल्लाह ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह। सिर्फ 30 सेकंड लेंगे, वोट किसको दे रहे हैं? शेर। क्यों? शेर ने काम किया है ना। मसलन क्या काम किया? आपके सामने ही है ना,